वेलकम टू लर्न फॉर name is नेम इज़ गुरप्रीत सिंह इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू अपलोड योर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड योर कास्ट सर्टिफिकेट टू द कैट फॉर्म सक्सेसफुल सो प्लीज़ इस वीडियो को एंटर देखिएगा और लाइक जरूर दबाइएगा अगर अच्छे लगे तो ठीक है सो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं मैंने कैट का फॉर्म ओपन किया हुआ अपना सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक हियर फॉर फोटो स्पेसिफिकेशन सैंपल फोटोज अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल खुलेगी ये वाली इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कितनी डायमेंशन चाहिए क्या साइज़ होना चाहिए और ये सेम फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी एडमिट कार्ड पे लगाने के लिए जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस दिन वो फ़ोटो वहाँ पे चाहिए तो इसीलिए इस फ़ोटो को सेव करके प्रिंट करके भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये याद रखेगा तो हमें कैसे करना है सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो सिंपली फ़ोन से क्लिक कर लें बहुत सिंपल है फ़ोटो लीजिए कहीं भी बै वाइट बैकग्राउंड वाइट दीवार के पीछे खड़े हो जाइए ठीक है उसके बाद वो फोटो लेकर कुछ नहीं करना आपको आना है कैनवा पे नॉर्मल लॉग इन करना ठीक है बिना लॉगिन चलेगा नहीं तो क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करना यहां पे डिजाइन करने से या फिर आप सिंपल यहां पे करना कस्टम साइज पे क्लिक कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज बड़ा सिंपल है यहां पर आपको 1200 बाय बाई बारह लिखना है ठीक है 1200 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड लिख लिया ये क्यों लिख रहे हैं मैं ये भी दिखा दूंगा अभी क्रिएटर न्यू पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेल्व हंड्रेड बाई ट्वेल्व हंड्रेड वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड में दिखाया तो मैंने फोटो ऐसी ही टेंडर वैली हुई है यहाँ पे लिखा होता है थर्टी बाय फोटी फाइव सी आप ट्वेल्व हंड्रेड बाई ट्वेंटी हंड्रेड भी डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है आप वही लेके चले वाला छोटा बहुत ज़्यादा पिक्सल छोटे हो जाते हैं इसमें ठीक है सो तो ये लिया आपने यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी फोटो जो है वो अपलोड करनी है यहाँ अपलोड बटन आता है यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा क्लिक करके या फिर आप डायरेक्टली जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ मैं तो यहीं पर सर्च कर लूँगा एक मैन वाली फोटो ठीक है ये कोई भी एक ले लेते हैं ये वाली फोटो है यहाँ पे मैंने क्लिक करी और यहाँ पर आ गया उसके बाद आपको क्या करना है यू हैव टू रिसाइज इट आपने कर्सर से ऐसे रिसाइज कर लेना बहुत सिंपल है यार ठीक है ये ये आ गया ठीक है ये थोड़ी सी मेरी अपडप्ट है बट हाँ कुछ फोटो ऐसी होनी चाहिए और एक डिज़ाइन वाली है बट आप नॉर्मल सी जो स्टैंडर्ड फ़ोटो जो उन्होंने बोली हुई है वैसी वाली मैं बस ये रैंडम के लिए ले रहा हूँ ऐसी फ़ोटो में डालना ठीक है ओके ये किया मैंने इसके बाद क्या करना है यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा और सिंपल है यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना डाउनलोड पे जाना है डाउनलोड पे जाके पी है इसको मुझे चेंज करना है किस पे लेके आना है जे पे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर ये वाली है और क्वालिटी देखो अगर आप पहले डाउनलोड करके देखना कि कितनी बड़ी डाउनलोड हो रही है फ़ाइल सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया एंड लेट्स की कितनी बड़ी फाइल है ये 157 फिफ्टी की है तो देर इज़ नो इशू एज सच ठीक है बहुत सिंपल सी फोटो है और हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे ठीक है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये अंडर डिज़ाइन में आ रहा है यहाँ पे ओपन किया और ये यह फ़ोटो यहाँ पे ऐसे अपलोड होगी फाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली अपलोडेड क्लियर हो गया ठीक है ओके यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेंगे इसको सेव भी कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर ही ठीक है या फिर आप लैपटॉप के अंदर जहाँ भी आप देख रहे हैं अब आते हैं दूसरा प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी और सिग्नेचर अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये दिखाएगा कि एट्टी के बी तक का करना है ठीक है अब कैसे करना है जी और ए टी के भी कैसे करें फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ दीजिए अब आप आ जाइए वापस कैनवा पे कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा आ, कुछ लोगो वाला होना चाहिए ये सीरा रहा फाइव हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड पिक्सल का ये खोलेंगे हम और राइट उसके बाद आपने फ़ोटो अपना ना सिग्नेचर आप आ, फोटो क्लिक कर लेना उसकी भी जैसे आपने अपनी फोन ए, अपने फ़ोन से किए अपने सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक कर लो वो वहीं जाके अपलोड में डाल देना उसके बाद हम मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया ठीक है वो यहाँ आ गया आप भी ऐसे अपना सिग्नेचर यहाँ पे जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके बाद उसको ऐसे बड़ा कर लो थोड़ा सा ताकि भाई अच्छे से दिख जाए और सेंटर में आ जाए ये कर लेना ये देखो सेंटर दिखा रहा है अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ ओके यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा और अगेन कुछ नहीं करना यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड के बाद अगेन वहाँ पे लिखा है जेपीजी चाहिए ठीक है तो हम इसका फिर से जेपीजी कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेते हैं ध्यान रखेंगे एट्टी के से कम होना चाहिए जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी फाइल साइज देखेंगे पहले साइज दस के बी का है इट्स गुड टू गो फॉर मी ओके वापस मैं कैट फॉर्म में जाऊंगा और यहाँ पे अपलोड में ये वाली फाइल अपलोड करके देखूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा एंड इट्स सक्सेसफुली अपलोडेड ओके क्लियर और राइट उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना है ये कैसे डालना है तीन का पी ही अलाउड है इसके अलावा और कुछ नहीं अ, सर्टिफिकेट ढंग से दिखना चाहिए अगेन क्या करना है फ़ोटो क्लिक करेंगे ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और इसके बाद आपको जाना है ए फोर साइज़ का डॉक्यूमेंट ले लेंगे कोई भी ठीक है ये जैसे कि ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट ए फोर पोर्ट्रेट इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो डॉक्यूमेंट रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही ले लेता हूँ ठीक है तो ये वाला मैंने लिया और ये डिज़ाइन और इसको मैंने ये मेरे लिए सही ही लग रहा है ठीक है इसको मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा फॉर एक्जाम्पल आपको अपनी फोटो यहाँ पे क्लिक करके उस जैसे छोटा बड़ा किया था वैसे डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे छोटा वाटा करना होगा यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको पी डी एफ पी डी एफ स्टैंडर्ड चूज़ कर लेना उसके बाद बस डाउनलोड पे क्लिक करना क्लिक करने के बाद ये देखना है कि आपका जो साइज़ आ रहा है वो तीन सौ के बी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो लेट सी कि अगर साइज़ आ गया कि नहीं आ गया मेरा यहाँ पे साइज बड़ा हो गया ये तो इश्यू है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक वेबसाइट आएगी बहुत सारी होती है पी को स्मॉल साइज करने के लिए आप जा सकते हैं पी डी एफ स्मॉल साइज ये लिखेंगे ठीक है कंप्रेस कर देगा ये भी कंप्रेस कर देगा कोई भी आप चूज कर सकते हैं इट्स टोटली अप यू आप यहाँ पे चूज करेंगे फाइल्स को मैं यहाँ पे चूज करूंगा ओपन करूंगा और ये अपलोडिंग हो रही है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा ये देखिए अब यहाँ पर आ गया और इन्होंने देखो एक सौ तैतीस के वी कर दिया भाई ठीक है तो यहाँ पे बस मैंने डाउनलोड कर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होकर मेरे पास आ गई फाइल देखिए ठीक है एक सौ तीस जी के वी की अब वापस कुछ नहीं जाना फॉर्म पे जाएंगे यहाँ पे जाएंगे और ये कंप्रेस फाइल को ओपन करके अपलोड कर देंगे एंड सक्सेसफुली अपलोडेड ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी सारी ही फोटोज और सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ और ये सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं मैंने आपको सारा पूरा तरीका दिखा दिया प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू क्रैश कोर्स ठीक है पांच अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट की एक महीने में ही आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो डेफिनेटली आप इसमें रोल कर सकते हैं प्लस वी हैव सेक्शनल टेस्ट जो कि डेली फ्री होते हैं और हमारे पास ई बुक्स भी है कैट की है एनमेट की है सारी ई बुक्स हमारी इसी वेबसाइट पर आकर आपको दिख जाएंगी प्लस कैट की टेस्ट सीरीज भी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना तो यहीं पर व्हाट्सएप का बटन आता है इसी पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच हैव अ लवली ऑसम डे हैड